बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बाबू जदून फ्री मिक्स यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप को आज इस वीडियो में हम एक जनरल स्टोर मुकम्मल तैयार करने का तरीका आपको दिखाएंगे। हमने ये स्टोर ख़ुद तैयार किया है, इसमें लकड़ी का काम सारा मैंने खुद किया है अपने हाथ से। तो इस वीडियो को देखकर आप लोगों को यकीनन काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह एक स्टोर अगर हम बनाना चाहें। अगर आपके पास 2-3 लाख रुपया है तो आप ऐसा एक स्टोर बना सकते हैं जिससे आप अपना ज़ाती कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, ये वीडियो दिखाने का हमारा मकसद भी यही है कि आप लोगों को, आप में से शायद किसी को ये आइडिया हो जाए और वो अपना एक नौकरी के बजाय अपना ज़ाती कारोबार कर सके, जो कि नौकरी से अपना कारोबार लाख दर्जे बेहतर है। इसमें तरक्की भी हो सकती है, इसमें इजाफा भी हो सकता है। और हमारे लिए भी दुआ करें तमाम मुसलमान भाई कि हमारे इस स्टोर में अल्लाह ताला खैर और बरकत अता फरमाएँ। और जितने मेरे दूसरे दोस्त सोच रहे हैं दुकान बनाने का, मेरे भाई, तो उनके लिए ये वीडियो ख़ास है, वो इसमें से बहुत कुछ इंशाल्लाह आइडिया ले सकते हैं। ये स्टोर बनी हुई आपको जो दिखा रहे हैं हम, इसको स्टार्ट से आखिर तक क्या क्या मराहल है, वही जैसे आप देख रहे हैं कि अभी दो बच्चे मेरे जो है ना वो कलर कर रहे हैं इसको। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आप कलर करेंगे और जो आपकी चॉइस है, हम वाइट कर रहे हैं, आप लोगों को जो बेहतर लगे आप वो करें। तो कलर भी खुद करें, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इसके लिए कोई बंदे लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके नौजवान जो आपके साथ हों, तीसरे नंबर पर, और इसका दोस्त इसके साथ, दोनों मिल के ये कलर कर रहे हैं। उसके बाद कलर के बाद जो है लकड़ी का काम शुरू हो जाता है, वो भी आप खुद कर सकते हैं जैसे कि मैंने खुद किया है। मैंने कभी, मैं कोई कारीगर नहीं हूँ, लकड़ी का कारपेंटर नहीं हूँ, लेकिन बस जैसे तैसे लोगों को देख दाग के काट पीट के बस जो है ना जोड़ेंगे इंशाल्लाह और अलमारी बनाएंगे। हम बनाते वक्त का सीन तो आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो हमारे हाथ से बनेगा इंशाल्लाह वो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। और मुझे जब मैं बना सकता हूँ, मैंने बना लिया, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप लोग हिम्मत करें तो आप भी बना सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ना आप तोड़ से कटिंग करें और आप अपनी पसंद की, अपने चॉइस की आप अलमारी बना सकते हैं। थोड़ी सी फिनिशिंग कम होगी क्योंकि जो प्रॉपर कारपेंटर होता है तो वो अलग बात है। अब आप देखें, एक अलमारी हमने तैयार कर ली है, वो आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये एक अलमारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से मैंने खुद अपने हाथ से तैयार की है। तो अब इंशाल्लाह ये जो दीवार आपको दिखाया है ये भी बनाएंगे, ये दीवार भी बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं फ्रंट की अलमारी तकरीबन मुकम्मल हो गई, उसका जो आधा हिस्सा बाकी था वो भी कम्प्लीट कर लिया गया है। अब इनकी किनारियों पर गोले लग रहे हैं ताकि इनकी खूबसूरती और फिनिशिंग आ जाए। तो ये आप लोग के लिए दूसरा आइडिया है कि आप जब अलमारी बना लें चीप बोर्ड से या लासानी से, अगर आप ज़्यादा ख़र्चा कर सकते हैं तो लकड़ी से बनाएं, लकड़ी का ज़्यादा ख़र्चा आएगा। अगर आप चीप बोर्ड से करेंगे तो 10x10 की दुकान आपकी तकरीबन, अगर आप ख़ुद बनाओ तो 17-18 हज़ार में इंशाल्लाह सारी लकड़ी आ जाती है, आप ख़ुद बना सकते हो। अगर आप कारीगर को देंगे तो फिर ज़ाहिर 15-20 हज़ार आपको कारीगर भी लेगा, 10-15 हज़ार लेगा। तो मेरा मशवरा है कि आप ख़ुद करें, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये आप एक हारी और एक हथौड़ी दें और एक दो दोस्त, बच्चे की मदद से या दोस्त की, किसी दोस्त की मदद लेके आप अपनी दुकान खुद तैयार कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, देखो बच्चों की मदद से मैं उनसे हेल्प उनसे ले रहा हूँ और काम आइडिया मेरा है, मैं उनको आइडिया और कटिंग करवा के खुद जो है ना साथ में इनके साथ, अभी इस वक्त अभी भी जब कैमरा चल रहा है तो नीचे जो कैमरा आपको नहीं दिखा रहा है, मैं एक नीचे सामने वाली दीवार के लिए दूसरी अलमारी, ये देखो ये मैं नज़र आ गया हूँ, तो ये मैं सामने वाली दीवार के लिए नीचे ज़मीन पे पड़ी हुई अलमारी बना रहा हूँ। जब वो तैयार हो जाएगी तो सामने की दीवार पे इंशाल्लाह उसको फिक्स कर दिया जाएगा। तो आगे चल के इंशाल्लाह हम आपको दिखाते हैं सामने की दी अलमारी भी और इस तरफ की भी, और जो दुकान के फ्रंट पर बिल्कुल जो शोकेस होता है, जैसे कि अमूमन होता है सामान वगैरह सजाने के लिए शीशे का, वो भी इंशाल्लाह ख़ुद बनाएंगे, वो भी आपको दिखाते हैं किस तरह बनाई जाती है। तो नाज़रीन, ये वीडियो ज़रूर देखें और लाइक करें, इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।